रेप मर्डर केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा दी। भयंकर छीछा लेदर हुई है बंगाल सरकार की, ममता बनर्जी सरकार की, उसकी एक एक डिटेल आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ बंगाल में क्या राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, इसको लेकर गहमा गहमी बहुत तेज हो गई है। आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों तक में बंगाल केस पर क्या हुआ है, बंगाल में किसने कह दिया है कि राज्यपाल ने तो राष्ट्रपति शासन लगाने की चिट्ठी अमित शाह को भेज दी है सोमवार को, आज एक एक डिटेल आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखिए कि देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कैसे अलग जोन में चल रहे हैं। बॉस, इंडी गठबंधन के नेताओं से बाकी सब बातें करवा लो, मोदी को तानाशाह बुलवा लो, लोकतंत्र विरोधी बुलवा लो, संविधान कुचलने वाला बुलवा लो, आरक्षण खत्म करने वाला बुलवा लो, लेकिन अगर कह दो कि थोड़ा ममता बनर्जी पर बोल दीजिए तो इंडी गठबंधन वाले तिलमिला जाते हैं। कोलकाता में इतना बड़ा कांड हो गया, पूरा देश इतने दिनों से गुस्से में है, लेकिन मजाल है कि इंडी गठबंधन में कोई खखर कर जोर देकर ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ बोल दे। अभी कहीं दूसरी जगह पर कोई कांड हो जाए तो देखिएगा कैसा एकदम इनका जोश जो है वो पंप मारेगा अंदर से खून। ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जब सुप्रीम कोर्ट कोलकाता कांड पर ममता सरकार की क्लास लगा रहा था, उस वक्त राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर, और जैसा कि आमतौर पर होता है नेता कहीं जाता है तो मीडिया और रिपोर्टर सवाल पूछते हैं। एक रिपोर्टर ने कोलकाता का सवाल राहुल गांधी से पूछ लिया। राहुल गांधी के लिए तो कोलकाता का सवाल आउट ऑफ सिलेबस था, इसलिए वो सवाल से ही तिलमिला गए। जो राहुल गांधी रायबरेली में एक दलित युवक की हत्या का मामला उठाने गए थे, न्याय की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि यहां लोग गुस्से में हैं, मास्टरमाइंड को बचाया जा रहा है, न्याय मिलना चाहिए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो पीछे नहीं हटेंगे, उन्हीं राहुल गांधी से जब कोलकाता कांड में न्याय की बात की गई तो एकदम राहुल गांधी के जज्बात बदल गए। वो कोलकाता पर सवाल को ध्यान भटकाने की तकनीक बताने लगे। एक पीड़िता को न्याय मिले, एक महिला के साथ रेप, क्रूर रेप और मर्डर हो गया, उस पर सवाल पूछो तो राहुल गांधी का ध्यान भटक जाता है। एक तो रायबरेली जा सकते हैं, कलकत्ता नहीं जा सकते हैं, और कोलकाता का सवाल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनको। सुनिए एक बार राहुल गांधी को किस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं। यहां पे लोग गुस्सा है, मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की इज्जत हो, हर वर्ग की रिस्पेक्ट हो और न्याय सबको मिले, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ और हम इस मामले को नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो क्लियर कट अन्याय हुआ है परिवार के खिलाफ, समाज के खिलाफ अन्याय हुआ है और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। मतलब ये चॉइस नहीं है, इनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बात समझ आई, न्याय मिलेगा इनको करवाना, दबाव डालना वो मेरा काम है। मैं यहाँ पीछे नहीं हटूंगा, दलित परिवार है इसीलिए ये हो रहा है। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ, मैंने कोलकाता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं, यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। ठीक है भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो, क्योंकि आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते हो। राहुल गांधी एक तो कोलकाता आज तक नहीं जा पाए, मतलब उनके संसदीय क्षेत्र में अगर किसी के साथ गलत हो, और वो संसदीय क्षेत्र चूंकि यूपी में पड़ता है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, तो राहुल गांधी वहां जाएंगे। लेकिन कोलकाता को लेकर देश भर में गुस्सा है, राहुल गांधी को कोलकाता के फ्लाइट की जैसे टिकट ही नहीं मिल रही। और एक महिला मर गई, उस पर सवाल पूछना, वो भी उस दिन जब सुप्रीम कोर्ट बड़ी बड़ी टिप्पणियां कर रहा है बंगाल सरकार को लेकर, कड़ी कड़ी टिप्पणियां कर रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। महिला को न्याय दिलाने का सवाल पूछना राहुल गांधी के लिए डिस्ट्रैक्शन है, और ये नेता प्रतिपक्ष है इस देश के। विपक्ष में रहते हुए राहुल गांधी अगर यूपी में दलित युवक की मौत का मुद्दा उठाते हैं तो उनका हक है, वो उस क्षेत्र के सांसद भी हैं, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल यहां राहुल गांधी के डबल स्टैंडर्ड का है, वो इंसाफ के लिए यूपी सरकार पर दबाव बनाते हैं, लेकिन बात जब इंडी गठबंधन के राज्यों की आती है तो उनका दबाव बनाने का मैकेनिज्म खुद ब खुद दबाव में आ जाता है। जितना गुस्सा राहुल गांधी को यूपी की घटना पर आ रहा है, उसका 20% गुस्सा भी ममता सरकार पर दिखा देते ना बॉस, तो मान जाता मैं। राहुल गांधी तो सीधे सीधे ममता सरकार का नाम नहीं ले पाए बॉस, नाम नहीं ले पाए ममता बनर्जी का।
ये इस देश की महिलाएं भी देखें कि इस देश में पॉलिटिक्स का लेवल क्या है। आपकी बच्चों की मौत, आपकी इज्जत, आबरू सब इस देश में पॉलिटिकली अगर काम आ सकती है तो सवाल उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे बॉस। राहुल गांधी कोलकाता के सवाल पर फंस गए तो मीडिया को कोसने लगे कि मीडिया ध्यान भटका रही। सबसे पहले रायबरेली में लोकल मीडिया ने आपको यूपी की घटना पर सवाल पूछा, आपका लंबा चौड़ा जवाब सुनने के बाद मीडिया ने कोलकाता पर सवाल किया, इस उम्मीद से सवाल किया ताकि आपका इस घटना पर रिएक्शन मिल जाए। और राहुल गांधी के बेहद सिंपल से सवाल पर जब उनसे ये सिंपल सा सवाल पूछा गया तो आराम से रिएक्शन दे सकते थे, लेकिन वो उल्टे मीडिया को ब्लेम करने लगे कि दलित युवक का मामला है इसलिए आप ध्यान भटकाना चाहते हैं। ध्यान भटकाना ही होता तो मीडिया आपके सीधे कोलकाता पर ही सवाल पूछती, वहां का सवाल भी नहीं पूछती। और राहुल गांधी का हर बार का पैटर्न यही है, इनको लगता है मीडिया इनके सामने आई है तो इनसे वही पूछे जो ये सुनना चाहते हैं। ये मीडिया है बॉस, गीतमाला का कार्यक्रम रेडियो पे नहीं बज रहा है, जो आप जो चाहेंगे वही बजेगा। अगर ध्यान ही भटकाना होता तो रायबरेली दौरा सुर्खियों में ना होता। और दूसरी बात, जिस केस पर पूरे देश की नजर है उस पर बात करना ध्यान भटकाना कैसे हो गया है? इंडी गठबंधन तो कोलकाता के मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ चुप है, लेकिन हर कोई इंडी गठबंधन की तरह चुप नहीं है। बड़ी हलचल मची हुई है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने दिल्ली में आज राष्ट्रपति से मुलाकात की है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिले। यह मुलाकात इस मायने में बड़ी अहम है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का हाल देखकर कई लोग राष्ट्रपति शासन की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि इस मुलाकात का मकसद क्या था यह अभी क्लियर नहीं है, ऊपर ऊपर तो कहा जा रहा है यह औपचारिक मुलाकात है, लेकिन क्या पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को ब्रीफ किया है राज्यपाल ने? क्या स्थितियां इस तरफ जा सकती हैं कि जहां यह फैसला कर लिया जाए कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना ही उचित है, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य सरकार से संभल नहीं रही, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब सवाल उठा रहे हैं और राज्यपाल कह चुके हैं कि महिलाएं बंगाल में सेफ नहीं है। इसी बीच एक बड़ा दावा किया जा रहा है, ममता सरकार के मुखपत्र माने जाने वाले एक अखबार जागो बांग्ला ने दावा किया है कि राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश वाली चिट्ठी ऑलरेडी भेज दी है। जैसे सामना मुखपत्र है शिवसेना का, वैसे इस जागो बांग्ला को मुखपत्र कहा जाता है टीएमसी का। वो अखबार छाप रहा है कि चिट्ठी चली गई है राष्ट्रपति शासन लगवाने की। अखबार ने दावा किया है कि सोमवार की सुबह ही राज्यपाल ने यह चिट्ठी भेज दी गृह मंत्री को और राष्ट्रपति को। अखबार में लिखा है कि बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई तो बैकडोर से सत्ता हथियाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के एजेंट सीवी आनंद बोस, यानी राज्यपाल को बीजेपी का एजेंट बता रही है बताया गया इसमें, असंवैधानिक खेल में जुट गए हैं। यह भी दावा किया गया है कि राज्यपाल पर दबाव बनाकर राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजी गई है, एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश करके अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है। अब यह किसी को नहीं पता कि यह चिट्ठी गई है या नहीं गई है, टीएमसी का मुखपत्र किस हवाले से यह छाप रहा है। जैसे केजरीवाल जी को दिव्य दर्शन हो जाते हैं कि अब मैं गिरफ्तार होने वाला हूं, अब यह होने वाला है, अब ईडी आने वाली है, फलाना ढिमकाना। जैसे राहुल गांधी रातों रात ट्वीट करते हैं देर रात में कि भाई ईडी पहुंचने वाली है क्योंकि मैंने लोकसभा में कुछ कह दिया है, वैसे ही ममता बनर्जी की पार्टी के मुखपत्र को भी शायद ये पता नहीं कहां से पता चला है कि भाई ऐसी चिट्ठी राष्ट्रपति शासन लगाने की जा चुकी। अब अगर